हम कुरान सामित को जैसा मानते हैं ऐसे ही कुरान नातिक को भी मानते हैं, हम जैसा मुसहफ को मानते हैं ऐसे ही मुसहफ पर अमल करने वाली हस्तियों को और जिन्होंने तफसीर कुरान और तावील कुरान बताई है हम उन्हें भी ऐसे ही एहतराम के साथ मानते हैं। तो जैसे कुरान का नुज़ूल दो तरह से है, तो जो है नुज़ूल तदरीजी और नुज़ूल दफ़ई। शबे कद्र के अंदर जो कुरान नाजिल हुआ इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, वो दफ़अतन कुरान सरकार के क़ल्बे मुबारक पर उतरा, लेकिन जो 23 बरस तक कुरान उतरता रहा वो तदरीजन उतरता रहा, मुख्तलिफ मराहिल में कुरान तदरीजन नाजिल होता रहा और शबे कद्र में दफ़अतन नाजिल हुआ। तो जैसे कुरान सामित दो तरह से नाजिल हुआ है ऐसे ही कुरान नातिक भी दो तरह से नाजिल हुआ है। असलाब शामिखा रहाम मुताहरा से होते हुए आइम्मा अहले बैत आए हैं, सैयदा फातिमा जहरा दफ़तन कल्ब मुस्तफ़ा पर उतारी गई, सलवात हदिया कर देंगे नबी के साथ। अच्छी बड़ी तादाद है इससे बुलंद सलवात पढ़ेंगे। तो वो जो हसबी जो उन्वान है वो ज्यादा मजबूत है, यानी दादा ऐसे थे आप कैसे हैं, असल बात यह है। तो शख्स के बारे में जब बात होगी तो बात होगी कि इनके वालिद का नाम ये, इनका कबीला ये, इनका खानदान ऐसा, इनके ताया भी ऐसे थे, इनके मामू भी ऐसे थे। जब ये शख्स की बात होगी, ये फला जगह रहते हैं और फला जगह से तालीम हासिल, ये वाली गुफ्तगू होगी। लेकिन जब बात हसब की होगी तो फिर पूछा जाएगा कि इन्होंने खुद क्या किया, इनकी अपनी हैसियत क्या है, इन्होंने खुद मेहनत कितनी की है। अजीज़ाने गिरामी, जब कोई अपनी मेहनत से किसी नतीजे तक पहुंचे तो उसकी हयात को अल्लाह हयात तय्यबा बना देगा और वो ऐसी हयात बना देगा कि फिर दूसरों के लिए वो औरों के लिए वो एक मिसाली जिंदगी करार पाएगी। शख्स जीता है, शख्स मरता है, शख्स मारा जाता है, शख्सियत जिंदा रहती है, शख्सियत मरती है, शख्सियत मारी जाती है। शख्स की हयात और है, शख्सियत की हयात और है। पहली मजलिस है, मुकद्दमाती गुफ्तगू है, आपकी तवज्जुहात का ममनून हूँ। शख्स जिंदगी गुजारने के लिए मादी चीज़ों का मोहताज है। शख्स को जो चीज़ ख़त्म कर देती है, शख्स की मौत गफलत है। हर वो शख्स जो गफलत का शिकार है गोया वो अपने मौत के करीब है और किसी भी वक्त ये गफलत उसे मार डालेगी। जिसे आप अगर सादा और जबान में मैं कहूँगा तो बेतवज्जोही, लापरवाही, ये बेतवज्जोही और लापरवाही शख्स को ख़त्म कर देगी। और शख्स का कत्ल भी अगर होता है, यानी खुद नहीं मर रहा बल्कि उसे मारा जा रहा है, तो शख्स का कत्ल भी गर्म असलहे से किया जाता है, मसलन तलवार के जरिए से, मसलन तीर भाले बर्शी के जरिए से, मसलन जहर के जरिए से उस शख्स को कत्ल कर दिया जाता है। लेकिन शख्सियत की जिंदगी भी और है, शख्सियत की मौत भी और है और शख्सियत का कत्ल भी और है। शख्सियत किसी बदन में तारुफ की मोहताज नहीं है। तवज्जो चाहूंगा, वो जो शख्सियत की हयात है वो चार चीज़ों में मुजमर है। अगर कोई शख्सियत जिंदगी, कोई शख्सियत बनना चाहता है, कोई बेउनवाने शख्सियत जीना चाहता है तो उसकी हयात चार चीज़ों में मुजमर है। सबसे पहला उनवान इल्म। शख्सियत की हयात का पहला जीना इल्म, शख्सियत की हयात का दूसरा जीना ईमान, शख्सियत की हयात का तीसरा जीना तकवा, शख्सियत की हयात का चौथा जीना जिहाद। और जो इल्म, ईमान, तकवा और जिहाद की मंजिलों से गुजर जाता है फिर शहादत भी उसी को मिलती है। यानी अगर मैं और आप चाहते हैं कि हम उस मंजिल तक पहुंचे तो हमें इन जीनों से गुजरना होगा। अगर हम शख्सियत बनना चाहते हैं या कोई शख्सियत बनना चाहता है तो उसे ईमान, इल्म और ईमान और तकवा और जिहाद की मंजिलों से गुजरना है, ये उसकी हयात है। शख्सियत की मौत क्या है? शख्सियत की मौत अजीज़ाने गिरामी,
एक ऐसा उन्वान है कि जिसे अगर मैं गुजरते हुए अर्ज करूं तो वो बेहतर रहेगा। शख्सियत की मौत अपनी कदर न करना है। तवज्जो, जो शख्स जो शख्सियत अपनी कदर नहीं करती, जो ये नहीं जानता कि वो क्या है, जो ये नहीं जानता कि उसमें क्या सलाहियतें हैं, जो ये नहीं जानता कि वो क्या कर सकता है, जो अपने आप को ही ना पहचानता हो, फिर कोई उसे नहीं पहचानेगा। जो अपने आप को ही ना पहचानता हो, फिर कोई उससे इस्तफादा नहीं करेगा। लिहाजा शख्सियत की मौत अपनी कदर ना शनासी है, पहचानने की जरूरत है। तरबियत औलाद में उलमा ने बयान किया है आइम्मा की तालीमात की रोशनी में कि जो बच्चा अल्लाह